नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपका हमारा यूट्यूब चैनल अशोका जॉब रिलेटेड में मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे अभी रत्नागिरी महाराष्ट्र की बात करें, दमन की बात करें दोस्तों, उनका फायरमैन का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। उसके बाद में मेरे पास में स्टूडेंट भी कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें जो जॉब में जो फैकल्टीज़ क्या है, इसके अंदर क्या क्या सुविधाएँ मिलने वाली है, या इसमें पेंशन कौन सी लागू होगी, वर्दी इसमें सर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, कई सारे जो डाउट आपके दोस्तों, वो सारे डाउट इसमें आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट जो भी वीडियो आपको मिलता रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि जो फायरमैन है, इसके अंदर देखिए आपको वर्दी आपको मिलने वाली है दोस्तों। फायरमैन की अलग से एक वर्दी होती है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको इसमें वर्दी मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों, हम एक तो ये बात करेंगे कि एनपीएस की बात करेंगे दोस्तों। आपके पास में इसमें जो भी पेंशन सुविधा है दोस्तों, वो आपको एनपीएस वाली सुविधा है, जो न्यू पेंशन स्कीम है दोस्तों, वो आपको इसमें पेंशन मिलने वाली है दोस्तों। और हम इसमें ये दोस्तों बात करेंगे, आप सोच रहे होगे इसमें कि इसमें ओल्ड पेंशन है दोस्तों। अभी तक तो ये एनपीएस के अंदर आती है, एनपीएस ही मिलने वाला है। अभी आपको आगे भविष्य में यदि ओपीएस ओल्ड पेंशन लागू हो जाए तो दोस्तों, वो एक अलग बात है। देखिए दोस्तों, ये तो हो गई। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको कैंटीन कार्ड की सुविधा भी मिलने वाली है इसके अंदर। यदि आप जैसे फायरमैन की बात की दोस्तों, आर्मी के अंदर भी होती है, हर डिपार्टमेंट में ग्रुप सी में दोस्तों ये वैकेंसी आती है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कैंटीन कार्ड की बिल्कुल सुविधा मिलेगी आपको। तो आपके ये कैंटीन कार्ड वाली जो भी आपके डाउट है दोस्तों, कई मेरे पास क्वेश्चन जो टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, उनके लिए दोस्तों ये तो ये डाउट उनका क्लियर हो चुका है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यदि आप इसके अंदर फायरमैन में मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो चुका है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों होगा। अब दोस्तों, मैंने टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था, मैं फिर से दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि जिस भी भाई का दोस्तों सिलेक्शन हुआ है, वो दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बताइए कि उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो रहा है, जिससे दोस्तों हमें थोड़ा आइडिया लग सके और थोड़ा हमें और पता चल सके दोस्तों। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो दोस्तों आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे, उसमें दोस्तों कंप्लीट वो आपको बता देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके आना है। लेकिन दोस्तों, नॉर्मली बात ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 10th होगी, 12th की मार्कशीट होगी दोस्तों, यही आपको लेके जाना है। यदि आप 10th पास हो दोस्तों, तो 10th पास की मार्कशीट चलेगी। बाकी आप 12th और ग्रेजुएशन दोस्तों, आप ये भी आप इसके अंदर लगा सकते हो, यदि आपने कर रखी है या कोई डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है तो लगा सकते हो, बाकी कंपलसरी ऐसा कुछ इसमें है नहीं है दोस्तों। अब इसके बारे में देखिए दोस्तों, कई सारे मेरे पास स्टूडेंट ये भी मेरे को पूछ रहे थे कि दोस्तों इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों वेटिंग लिस्ट इसमें, यदि इन सीटों के अंदर कोई भी भाई जैसे एबसेंट रहता है किसी कारणवश, उसको दूसरी जॉब मिल गई हो, दोस्तों कोई भी उनका रीज़न हो सकता है, यदि ऐसा कुछ रीज़न हुआ तो दोस्तों बिल्कुल वेटिंग लिस्ट निकली जाएगी। इसके अंदर निकालने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों कि शायद वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यदि कोई अगर वेटिंग अगर उन लोग कंप्लीट वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं स्टूडेंट, तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट आ सकती है दोस्तों। और दोस्तों, यदि अगर फिर भी दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप और भी पूछ सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, कई मेरे पास में वो मैसेज कर रहे थे कि आरटीआई के लिए कि सर दोस्तों इसमें आरटीआई कैसे लगाएं। दोस्तों, यदि आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप बिल्कुल आरटीआई लगा करके, और आप पूछ सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स नहीं आए हैं दोस्तों, वो आरटीआई लगा सकते हो दोस्तों। मेरे पास में मैसेज कर रहे थे कि सर आप आरटीआई के लिए दोस्तों एक नया वीडियो बनाओ, जिससे हमें पता लग सके कि आरटीआई कैसे लगाते हैं। दोस्तों, आरटीआई अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा था, आज मैंने ये वीडियो अपलोड किया फैकल्टीज वाला, कल मैं दोस्तों आरटीआई वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसमें भी आप देख सकते हो। और इसमें सैलरी की मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, यदि आपकी सैलरी डिपेंड करते हैं कि वहाँ के अलाउंसेस कितने हैं, एचआर कितने मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये मान के चलिए कि आपको 32 से 33 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी आपकी कम से कम आपको मिल सकती है दोस्तों। इतनी सैलरी तो लगभग इसमें रहती ही है दोस्तों, ग्रुप सी की दोस्तों ये वैकेंसी है। और भी दोस्तों, यदि कोई आपका डाउट है, कोई आपको कुछ पूछना है दोस्तों, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए दोस्तों, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, हमको रिप्लाई देने का हम आपको प्रयास करेंगे दोस्तों। और हमें दोस्तों चैनल पे यदि नए हो दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है, इसलिए दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं नए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। और भी दोस्तों, कोई जो भी वैकेंसी की अपडेट होगी दोस्तों, मैं आपको वैकेंसी की अपडेट दे दूंगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।